गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हमने ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 57 तक कर लिया था और 58 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए, मतलब कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कि उस ट्राइंगल की तीनों साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। देखिए इसमें भी दिया है, इन विच ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी ए। कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको तीनों साइड उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की थ्री साइड्स आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। वॉट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, तो आपको उसके हर एक एंगल का मेजरमेंट भी बताना है कि उसका जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम सीखते हैं। हम इससे पहले सीख चुके हैं कि तीनों जब आपको साइड्स दी गई होती हैं तो विद द हेल्प ऑफ द साइड्स आप किस तरीके से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपको आता है ना, मैंने आपको तीन तरीके के ट्राइंगल सिखाए हैं। पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से साइड्स दी गई हूँ तो आप ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकेंड में मैंने आपको समझाया था कि जब आपको दो साइड दी गई हों और वन एंगल दिया हो तो आप उसकी हेल्प से किस तरीके से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड वन चीज़ मैंने आपको यह सिखाई है कि जब आपको दो एंगल दिए गए हो और एक साइड दिया गया हो, साइड दी गई हो, तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये चीज़ें हमने सीखी हैं। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाना सीखा। तो इस तरीके से आज हम सीखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपको दिया है इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। और फिर आगे के क्वेश्चंस फिर आपको करने होंगे। देखिए इसमें भी तीनों साइड हैं, तो जिस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उसी वे में हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एंगल दिए गए हैं, एक साइड दी गई है, तो आप टू एंगल और एक साइड के जिस तरीके से मैंने आपको उस ट्राइंगल को ड्रॉ करना सिखाया है इस वे में आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों पहले हम 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए पहले हम 6 सेंटीमीटर की ये नीचे बेस वाली साइड बनाएंगे। कैसे, देखिए 0 से कहाँ तक 6 तक, तो आप 0 से लेंगे और कहाँ तक बनाएंगे इसको, 6 तक, 0 से लेकर 6 तक। ये 0 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ठीक है। और आपने इस पॉइंट को नेम दे दिया, क्या है, ए बी साइड है ना, तो उसको आपने ए बी नेम दे दिया, अंडरस्टूड। अब आप क्या लेंगे, कंपास लेंगे और स्केल लेंगे। तो आपको 6 सेंटीमीटर का बनाना है ना, तो आप 6 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे बच्चों, आर्क। देखिए आप यहाँ पर निडल वाले पॉइंट को 6 पर रखेंगे और पेंसिल वाले पॉइंट को आप कहाँ रखेंगे, 0 पर। देखिए इस तरीके से आप इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। निडल वाले पॉइंट को आप 6 पर रखेंगे और वैसे पेंसिल वाले पॉइंट को आप 0 पर रखेंगे, अंडरस्टूड। अब आप अपने स्केल हटा लेंगे और फिर एक आर्क हम कहाँ से बनाएंगे, ए से, ठीक है, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर लेना है। तो हमने पहले हम यहाँ से बी से लगाती हूँ, मैंने बी से 6 सेंटीमीटर का क्या बनाया, आर्क, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो आर्क 6 बी से लगेगा वही ए से लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेना है, सी, मुझे कौन सा पॉइंट लेना है, सी। तो बी सी भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगर कुछ डिफरेंस होता तो हम बी से अलग सेंटीमीटर का आर्क लगाते, अलग मेज़रमेंट का आर्क लगाते, और ए से हम अलग मेज़रमेंट का आर्क लगाते, बट कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, इसलिए हम बी पॉइंट से भी 6 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे और ए पॉइंट से भी हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। अब मैंने बी से आर्क लगाया और सेम आर्क मैंने ए से लगाया, ठीक है। नाउ ये आर्क जिस पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों आपका, सी, सी पॉइंट पर आकर ये मीट कर रहे हैं। नाउ यू विल जॉइन बी सी
एंड ए सी, तो हम दोनों साइड्स को, दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, जॉइन। ठीक है, हमने बी सी भी ज्वाइन कर लिया और हम ए सी भी इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन हमारा फिगर बन गया है, डायग्राम बन गया है। अब आप अपनी स्केल लेंगे और एक बार अपने मेज़रमेंट्स को चेक कर लेंगे कि ये मेरी 6 सेंटीमीटर की बनी है। तो आप देख सकते हैं ये 0 आ रहा है और ये 6, मीन्स ये आपकी बी सी 6 सेंटीमीटर करेक्ट। नाउ अब हम ए बी मेज़र करेंगे। ए पॉइंट पर देखिए, ए पॉइंट पे हम 0 को रखेंगे और बी पॉइंट पे हम 6 को रखेंगे, तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर की बन गई। अगर मेज़रमेंट्स में कोई डिफरेंस होता है तो हम उसी वे में आर्क लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका डिफरेंस है तो आप उसी वे में अपने आर्क लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम ए सी मेज़र करेंगे। तो ए पॉइंट पर हम 0 रखेंगे और सी पॉइंट पर हम 6, तो आपकी ए सी भी कितने सेंटीमीटर आ रही है बच्चों, ए सी भी 6 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आप अपने फिगर को, जो आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी टीचर आपके पहले चेक करेगी, टीचर तो चेक करेंगी, मैं तो आपका काम चेक करूंगी, लेकिन आप अगर मुझे रीचेक करके भेजेंगे तो शायद आपके वर्क में मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमें हर एक एंगल को मेज़र करना है, एंगल ए को भी, बी को भी और सी को भी। चलिए अब हम मेज़रमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं पहले एंगल बी को मेज़र कर रही हूँ, तो कैसे मेज़र करूँगी, हम इस बी वाले पॉइंट को यहाँ पर, ये जो है बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखेंगे। और देखिए, इस तरीके से आप अपने प्रोटेक्टर को सेट करिएगा, जो उसकी प्रोटेक्टर की नीचे बॉटम वाली लाइन है ये आपके इस लाइन से मैच करनी चाहिए। अब हम देखिए मैच कर गई, इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से। मैच करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये एंगल बिल्कुल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनना है, 60 डिग्री का बन रहा है ना, इट मीन्स एंगल बी कितने का है, 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। नाउ इसी वे में हम एंगल ए मेज़र करेंगे। तो हमने एंगल ए मेज़र किया, तो एंगल ए भी कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का। अब देखिए, अब हम एंगल सी मेज़र करते हैं। तो एंगल सी कैसे रखेंगे, ये जो पॉइंट है इस पर प्रोटेक्टर का पॉइंट रखेंगे हम, देखिए इस तरीके से। और ये जो इसकी नीचे वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको हम बी सी से मैच करवाएंगे। पॉइंट से पॉइंट रखा और ये जो लाइन है इसको हम बी सी से, देखिए आप देखिए इस तरीके से अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे और ये लाइन है ये बी सी से मैच करेगी। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है ये कहाँ जा रही है, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिख रहा है ना आपको, ऊपर वाला देखिए 60 डिग्री दिख रहा है ना, मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या निकला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, साथ के साथ उनके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ इट्स ईच एंगल, तो क्या है इसका आंसर, द मेज़र ऑफ इट्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। अंडरस्टूड एवरीवन, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों, आपको अपनी एक्सरसाइज 58 के जो 3 नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए अब इसमें डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस कैसे करेंगे, ये पहले आप इनमें से किसी एक लाइन को नीचे बेस में बना लेंगे, फिर उसी वे में आप आर्क लगाएंगे। अंडरस्टूड, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।